हारने वाला जो देखता है उसकी ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है। हमने कहा था कि सफलता उसको मिलती है जो कभी कभी असफल हुए हैं, जो कभी असफल हुए हैं उन्हीं को सफलता मिलती है और वही अपनी ऊंचाई पर जाते हैं। निश्चित तौर पर आज जो भी प्रतियोगी प्रथम स्थान अर्जित करेगा वो विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करेगा, रीवा को रिप्रेजेंट करेगा, और मैं नहीं चाहता कि रीवा विश्वविद्यालय स्तर प्रतियोगिता में कहीं भी पीछे रहे। जब अपन विश्वविद्यालय स्तर पर बैठते हैं और विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में प्रतियोगिताएँ होती हैं और जब रीवा का नंबर नहीं लगता तो बहुत बुरा लगता है। तो आप चाहते हैं कि रीवा जिला अव्वल रहे, इसके लिए प्रथम स्थान अर्जित करने वाले जो प्रतियोगी हैं वो और मेहनत करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। एकांत प्रस्तुति को रिजल्ट कल्चर जो भी हो मुझे रिजल्ट नहीं मालूम, लेकिन जैसे मैंने क्लासिकल जो सोलो सॉन्ग हुआ था मैं रिजल्ट घोषित करूँ इसके पहले आज के प्रोग्राम के सभी आयोजन करता और अपने महाविद्यालय के समस्त फैकल्टीज को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। प्रोफेसर और टीम का जो हमारा कहा जाए कि आशीर्वाद है, धन्यवाद है, वो प्रवीण द्विवेदी के साथ है हमारा, जो मुकेश है मुकेश और कक्षा के जो है कर्ता संस्था संचालक सभी कुछ हैं और उन्होंने आज पूरे प्रोग्राम में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। वहाँ तक कि जजेस के सिलेक्शन से लेकर हर चीज में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए उनको धन्यवाद हमारा महाविद्यालय नहीं देता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इसलिए प्रवीण द्विवेदी को मैं प्रबंधन की तरफ से, मंच की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से और बच्ची सभी छात्राओं की तरफ से बहुत बड़ा थोड़ी थोड़ी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राकेश तिवारी जी, पीयूष सिंह, आकांक्षा सिंह खरौत मैडम, जितेंद्र सिंह परिहार हो गए, हमारे यहाँ पर आनंद अहलुवालिया जी हैं, गिरीश भाई हैं, सरस्वती जी हैं, प्रदीप जी हैं, पी एस तिवारी जी हैं और इस महाविद्यालय के जो मेन जिन्होंने सारे अरेंजमेंट में ध्यान दिया, हमारे एडी श्रवण त्रिपाठी और हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर सिन्हा कुमार, सभी को बहुत बहुत।